स्वागत है। मैं निहारिका जैन ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, सफाई व्यवस्था को लेकर वार्डों का किया निरीक्षण, नर्सिंग स्टाफ व आशा सहयोगिनियों का किया सम्मान, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का हुआ शुभारंभ, आगू में पारा हुआ -4 डिग्री, विधायक डोड़ा से मिले सरपंच, समस्याओं की करवाया अवगत। अब समाचार विस्तार से। सफाई व्यवस्था को लेकर वार्डों का किया निरीक्षण। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी त्रिकमदान चारण द्वारा वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद भवनीश बारोट के निवेदन पर वार्ड की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। वार्ड वासियों द्वारा अधिशासी अधिकारी को वार्ड में उचित सफाई की व्यवस्था प्रबंध कराने के लिए निवेदन किया। अधिशासी अधिकारी ने मौके पर ही SI अर्जुन बावनिया, जमादार कालू भाई, शहर के मुख्य नाले को JCB से साफ करके डपने व पारसी अग्यारी के मुख्य नाले को साफ करने के लिए बुलाकर दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर वार्ड वासी अनिल भाई मोदी, बजरंग प्रसाद, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, मुस्लिम वक्फ कमेटी के लई अहमद, ललित अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। नर्सिंग स्टाफ व आशा सहयोगिनियों का किया सम्मान। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में हर इंसान ने अपने स्तर पर सेवा कार्य किया है, लेकिन चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ व आशा सहयोगिनियों ने इस कोरोना काल में अपने परिवार से दूर रहकर आमजन की सेवा की। उनकी इसी सेवा कार्य को देखते हुए इनर व्हील क्लब आबू रोड के सदस्यों ने आज शहरी चिकित्सालय में डॉक्टर विक्रांत सक्सेना, नर्सिंग कर्मियों व आशा सहयोगिनियों को शॉल उड़ाकर श्रीफल व मिठाई भेंट कर सम्मान किया। क्लब की अध्यक्षता में मंजू गोयल ने सभी का इस सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी की सेवा से ही हमारे शहर के लोग सुरक्षित रहे हैं। इस दौरान क्लब की सचिव सरिता खेड़ा, अनीता अग्रवाल, दर्शना भावनगरी, शशि सिंह, सीमा जैन, निशा अग्रवाल सहित सदस्य मौजूद थे। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का हुआ शुभारंभ। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड रेल प्रशासन द्वारा रेलवे अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रेलवे अस्पताल अजमेर में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश की गरिमामयी उपस्थिति में रेलवे अस्पताल में शीघ्र सेवानिवृत्त होने जा रहे वरिष्ठतम रेल कर्मचारी शिवलाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे अरुणा सिंह, मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार, सुराह का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक PC मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार व संदीप चौहान सहित रेलवे अस्पताल के अन्य अधिकारी, डॉक्टर व स्टाफ उपस्थित थे। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने कहा कि रेलवे अस्पताल अजमेर का सबसे पुराना व सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां रेलवे के सबसे ज्यादा इलाज का लाभ लेने वाले रेलवे कर्मचारी है। इसने मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधा को मेरे द्वारा प्राथमिकता देते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान की, ताकि अधिक से अधिक मरीज इस सुविधा का लाभ ले सके। इस प्रशंसनीय कार्य हेतु नकद पुरस्कार की भी घोषणा की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है ब्रेक का। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल, ऑरिन टैंक और पाइप आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ऑरिन का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ऑरिन ग्रुप विमल पॉलीमर्स जयपुर, कस्टमर केयर नंबर 9772336609 व मोबाइल नंबर 8003532331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आबू में पारा हुआ -4 डिग्री। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम भारत एवं राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू का आज सबसे ठंडा दिन रहा। इस साल का शहर का तापमान 0 से -4 डिग्री नीचे पहुंचा। माउंट आबू के अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर पर तापमान 0 से -4 डिग्री नीचे हुआ। यही हाल माउंट आबू के कुमारवाड़ा का रहा। वहीं मौसम विभाग के प्रभारी विजय सिंह के अनुसार माउंट आबू का आज तापमान जमाव बिंदु से -4 डिग्री नीचे रहा। कई स्थानों पर बर्फ जमी। माउंट आबू में चाहे तापमान गिरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात में देश के कोने कोने से पर्यटकों का आना जारी है। माउंट आबू में सुबह के समय ही पर्यटक नक्की झील पर घूमने निकल जाते हैं और यहाँ की इस सर्दी का भी भरपूर मजा ले रहे हैं। विधायक नोड़ा से मिले सरपंच, समस्याओं से करवाया अवगत। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार नववर्ष स्नेह मिलन को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान आबू रोड तहसील की विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए सरपंची
ने सिरोही विधायक संयम लोढ़ा से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। शहर के आकारा भट्ट क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक लोढ़ा को समस्या से अवगत कराते हुए सरपंचों ने अपने अपने ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याएं बताई। सरपंचों ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों, सीमेंट सड़कों, डामर सड़कों, बिजली पानी, मोबाइल टावर एवं सरकारी कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं से विधायक लोढ़ा को अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। विधायक लोढ़ा ने जन प्रतिनिधियों को आश्वस्त करवाया कि उनके द्वारा जो भी समस्या बताई गई है उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सरपंच संघ की तरफ से विधायक लोढ़ा को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर पूर्व यूआईटी अध्यक्ष हरीश चौधरी, पूर्व विधायक गंगाबेन गरासिया, पूर्व प्रधान तेज सिंह देवड़ा, अंडाराम गरासिया, ब्लॉक अध्यक्ष रशीद खान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरवंत सिंह देवड़ा, सरपंच संघ अध्यक्ष दोलाराम गरासिया, गणका सरपंच ललिता देवी गरासिया, क्यारिया सरपंच लीला देवी गरासिया, ओरिया आबू सरपंच शारदा देवी, आवल सरपंच मीनाक्षी गरासिया, किवरली पूर्व उप सरपंच जितेंद्र सिंह वाजरा, सरपंच अशोक कुमार मीणा, पूर्व सरपंच अमराराम गरासिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं मोहन भाई देशप्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही विधायक संयम लोढ़ा का श्री जगदड़ी गौशाला सेवा संस्थान पाड़ी के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस पहुंचकर आभार जताकर अभिनंदन किया। श्री जगदड़ी गौशाला सेवा संस्थान के महासचिव मोहन भाई देशप्रेमी ने बताया कि विधायक लोढ़ा ने पाड़व डोडुआ सड़क मार्ग के लिए 2,25,00,000 की राशि स्वीकृत करवाने पर इस मार्ग पर किसानों, राहगीरों व वाहन चालकों को आने जाने में बहुत ही बड़ी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि विधायक लोढ़ा जनहित को ध्यान में रखकर हर समय फैसला देते हैं, इसलिए सिरोही की जनता में लोक लाडले विधायक में जाने जाते हैं। इस मौके पर गौशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष मान श्री 1008 श्री करण गिरी महाराज, सलाहकार कमेटी के सदस्य रमेश भारती महाराज बराड़ा, जिला सीएलजी सदस्य व गौबक प्रतापराम पुरोहित, सलाहकार कमेटी सदस्य नटवर सिंह कालंद्री, जितेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में गौशाला के सदस्यगण उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरोही जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।